आवाज देता है वहीं से फिर कोई, जहां छोड़ाया हूं कुछ कांच के टुकड़े, कुछ यादें, कुछ कहानियां। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र भट्ट और मैं आपको सुनाता हूं हर बार एक नई कहानी। मेरे लेखक साथियों की नई नई लघु कथाएं सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। इस बार जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ उस कहानी का शीर्षक है पश्चाताप और लिखा है मेरे लेखक साथी डॉक्टर चंद्रेश कुमार छतलानी ने। उसका दर्द बहुत कम हो गया, इतनी शांति उसने पूरे जीवन में कभी अनुभव नहीं की थी। खून का बहाव थम गया था, मस्तिष्क से निकलती जीवन की सारी स्मृति एक एक कर उसके सामने दृश्यमान हो रही थी और पल भर में गायब हो रही थी। वो समझ गया कि मृत्यु निकट ही है। वो जीना चाहकर भी आंखें नहीं खोल पा रहा था। आखिर असहनीय दर्द से उसे छुटकारा जो मिल रहा था, अचानक एक स्मृति उसकी आंखों के सामने आ गई और वो हटने का नाम नहीं ले रही थी। मृत्यु एक कदम दूर हो गई। वो विचलित हो उठा, उसकी आंखों में स्पंदन होने लगा। एक क्षण को लगा कि आंसू आएंगे, लेकिन आंसू बचे ही कहाँ थे। मुंह से गहरी सांस भरते हुए उसने उस विचार से दूर जाने के लिए धीरे धीरे आंखें खोल दी। उसके सामने अब उसका बेटा और बहू खड़े थे। डॉक्टर ने बेटे को उसकी स्थिति के बारे में पहले ही बता दिया था। उसकी आंख खुलते ही बेटे के चेहरे पर संतोष के भाव आए और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, पापा आपकी बहू माँ बनने वाली है। मेरा समय आ गया है बेटा, उसने लड़खड़ाती धीमी आवाज में कहा। पापा आप वादा करो कि आप फिर हमारे पास आओगे हमारे बेटे बनकर। बेटे की आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे थे। वो बहू की कोख देखकर मुस्कुराया और फिर बेटे को इशारे से बुलाकर कहा, तू भी वादा कर बेटा, मैं अगर बेटे की जगह बेटी बनकर आया तो मुझे मार मत देना। इतना कहते ही उसके सीने से बोझ उतर गया। उसने फिर आंखें बंद कर ली। अब उसे पत्नी की रक्त रंजित कोख दिखाई नहीं दे रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। इसी के साथ अपने साथी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।